गाइस ये देखें, ये चाइना में हमने फ्रूट लिया है और इट जस्ट टेस्ट लाइक कैंडीज, और इनकी शेप जो है वो आड़ू जैसी है। ये लाइट में देखें, और ये इनका कलर है, ये बिल्कुल अनरियल प्लास्टिक लग रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कुछ स्क्विश करने के लिए कोई चीज़ है। इट इज़ सो यमी। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। एज यू ऑल नो कि मैं चंगदू में हूँ। आज हम लोग आए हैं चंगदू के सिटी सेंटर में। इस जगह को कहा जाता है तियानफू स्क्वायर, और मेरे बिल्कुल पीछे आप लोगों को एक स्कल्पचर नजर आ रहा होगा। किधर गया ये? अच्छा, के फाउंडर का स्कल्पचर है माओज़ेदुंग, जिन्होंने चाइना को वन चाइना बनाया था। इन्होंने चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया था, और ये आजकल जितनी भी तरक्की हम देख रहे हैं ये सारी इन्हीं की वजह से है। ये नहीं कोई अपना एक तरह से बाबाए कौम मानते हैं। और अभी अभी मैंने नोटिस किया कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो आके स्कल्पचर के सामने बेंड भी कर रहे हैं, यानी झुक रहे हैं एज अ थैंक्स आई गेस। स्क्वायर बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा है। यहाँ पे जो म्यूजिक भी लगा हुआ है बड़ा सूदिंग सा, पॉजिटिव वाइब्स वाला लगा हुआ है म्यूजिक, और सही इन्होंने अपनी सही आवाम को हर चीज शो करते हैं। इनको पता है कि इस बंदे ने इस कौम को बनाया है, तो कौम एक्चुअल में इसकी सही रिस्पेक्ट करती है, और उसके स्कल्पचर के आगे आके लोग झुक रहे हैं। और सही जो है वो ये पूरा स्क्वायर ही इसी बेसिस पर बना हुआ है, एंड एवरीबडी इज टेकिंग पिक्चर्स और सही ग्रेटिट्यूड अपना शो कर रहे हैं। यहाँ पे चाइना की जो बिल्कुल पॉजिटिव वाइब है ना वो आ रही है। मौसम आज थोड़ा सा ठंडा है, बट ये है कि घूमने के लिहाज से बिल्कुल मज़ेदार किस्म का है, और ये स्क्वायर में बहुत ही मज़े की वाइब है। एवरीबडी इज चिलिंग, छुट्टियाँ हैं इनकी, वेकेशंस चल रही हैं, और ये बिल्कुल सिटी सेंटर है चंगदू का। अच्छा, यहाँ पे ये जो चाइनीज़ हैं इनके मुझे सबसे मज़े की बात ये लगती है कि ये लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी एज अ कपल घूमने के लिए आते हैं, अलग अलग से नहीं जाते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी भी सही है, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। सही मेंटेन किया हुआ है इस पार्क को, और बहुत ही तरह तरह के डिफरेंट किस्म के कलरफुल से फूल है, और वैसे भी स्प्रिंग आ चुका है और फुल बूम पे है फ्लावर्स। ये लोग अपनी टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और ये देखें इस पार्क में भी हर जगह पांडाज बने हुए हैं। इनकी हर चीज़ जो है वो पांडा थीम पे, इवन जो बसेस हैं वो भी पांडा थीम पे। तो ये अपना टूरिज्म से ही प्रमोट करते हैं। उनकी हर सिटी की डिफरेंट वाइब होती है, और वो उसी वाइब को ही रिफ्लेक्ट करते हैं हर चीज़ में, है ना। तियानफू स्क्वायर है, और बिल्कुल इस साइड पे अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक मॉस्क है और फुल मुस्लिम फूड स्ट्रीट है यहाँ पे। गाइस दिस इज़ अ मॉस्क, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। अभी इसके अंदर जाते हैं।
दिस इज द मॉस्क। इस तस्वीर स्टेयर्स है और यहाँ से ऊपर जाते हैं। यहाँ पे अंदर एंटर हो तो सामने कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इस तरह से ये चाइनीज स्ट्रक्चर में बनी हुई है मॉस्क। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ चाइनीज एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर। यहाँ पे टेबल टेनिस का टेबल भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे गेम्स वगैरह भी लोग खेलते हैं। आर्किटेक्चर का सही एमलगम बना हुआ है। यहाँ पे है वुमेन्स प्रेयर रूम, गो अपस्टेयर्स। ये वजू के लिए एरिया बना हुआ है एंड देन ये बैठने के लिए जगह। फुल स्क्वायर बना हुआ है इधर। और ये देखिए ये अहाता है मस्जिद का, जहाँ नमाज वगैरह होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल सिटी सेंटर में बनी हुई है, खूबसूरत। यहाँ पे आम लोग वैसे भी विज़िट करने आते हैं और नमाज वगैरह तो पढ़ने आते ही। यहाँ पे सारे नमाज के औकात मेंशन हैं, चाइनीज़ में भी और अरबिक में भी। और यहाँ से ये है मेन हॉल। ये सफ़ें बिछी हुई हैं और ये इस तरह से मॉस्क बनी हुई है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, ऊपर गोल्ड में है, गोल्ड एंड वाइट। भी प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह। ये इसका मुसल्ला है और ये माशाल्लाह इसका मिंबर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। ये मिंबर कितना खूबसूरत बना हुआ है, ये लकड़ी पे है क्योंकि यहाँ पे बैम्बू होता है, तो बैम्बू भी बना हुआ है ऊपर और फुल डिज़ाइनिंग हुई है उसकी। और ये लोगों ने कल्चर को और इस्लामिक आर्ट को मिक्स किया हुआ है। साइड पे वजू रूम्स बने हुए हैं मेन एंड फीमेल। और ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पे सारे वॉशरूम्स एंड वजू एरियाज बने हुए हैं। मस्जिद के अहाते में एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है और इसमें सारा सिटिंग एरिया है। और इसके बिल्कुल साथ ही एक म्यूज़ियम भी है, जिसमें सामने एंटर होते ही आपको एक पेविलियन का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये एक कॉपी है, इसका जो ओरिजिनल पेविलियन है वो एक और मस्जिद में लगा हुआ है। एक्चुअली इसकी स्टोरी ये है कि बादशाह वक्त ने यहाँ के इमाम मस्जिद को बारिशों के लिए दुआ के लिए कहा था। उनकी दुआ कबूल हो गई थी और उसके बाद बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये गिफ्ट उनको दिया गया था। ये तस्वीर फेयरवेल की है, जिसमें एक इस्लामिक स्कॉलर चंगदू से अल अज़हर यूनिवर्सिटी जा रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी तस्वीर लगी हुई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की हैं, जैसा कि ईद हो गया। इसके अलावा जो चाइना की मॉडर्नाइजेशन है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का क्या क्या पार्टिसिपेशन है, वो सारी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी रहनुमा भी इन तस्वीर में देखे जा सकते हैं, जो कि मुस्लिम लोगों के साथ अपनी हम आहंगी शो किए हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे शो किया गया है कि इस्लामिक टीचिंग्स क्या सिखाई जाती हैं, जो कि सोशलिस्ट प्रैक्टिस को शो करती हैं, जैसा कि इसमें डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे अल सिद्क, अल अदल और हुबुल वतनी। ये सारी इस्लामिक कोर वैल्यूज़ लिखी गई हैं जो कि कल्चर और इस्लाम के साथ मिक्स्ड है। यहाँ पे बहुत सारी तस्वीर हैं जो कि चाइनीज़ मुस्लिम्स की हैं, जो कि डिफरेंट
फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि चाइना की इकॉनमी में जिन्होंने हेल्प की, कल्चर में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, और इवन मिलिट्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि मुस्लिम्स हैं, वो सारे यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे बताया गया है कि जब चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, तो पार्टीज़ ने और कमेटी और गवर्नमेंट लेवल पे एफर्ट की गई, जहाँ पे रिलीजियस बिलीफ के फ्रीडम को प्रमोट किया गया, और सिचुआन प्रोविंस में बहुत सारी मॉस ने अपनी एक्टिविटीज़ रिज्यूम की। थोड़ा सा आगे आएँ तो यहाँ पे बुक्स लिखी गई हैं, जो कि पुराने चाइनीज़ स्क्रिप्चर में लिखी गई हैं। ये सारी इस्लामिक टीचिंग्स के लिए हैं और ये चाइनीज़ में लिखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैप्स पड़ी हैं, जो कि चाइनीज़ मुस्लिम की हैं, जिनको हुई पीपल भी कहा जाता है। ये उनको स्पेसिफाई करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, यहाँ पे वास्केट है, कैप्स हैं, फीमेल्स के लिए स्कार्फ्स हैं, और ये कितनी खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे पड़ी हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसके अलावा स्लॉटरिंग का सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे शो किया गया है हलाल सिचुआन कुजीन को, जो कि फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें मुस्लिम ट्रेडिशन और सिचुआन कुजीन का मिक्सचर है। यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स जो आके कुरानी तालीम हासिल करते हैं, उसका लिखा गया है। ये चाइनीज़ इमाम साहब का जो ड्रेस होता है, वो शो किया गया है। इसमें इमाम साहब ने सर पे अपने पगड़ी स्टाइल, इस तरह से कुल्ला पहना होता है मुख्तलिफ कलर्स का, और ये इमाम्स के ड्रेस हैं। यहाँ पे बताया गया है कि मुस्लिम्स मार्शल आर्ट में भी पार्टिसिपेट करते थे, बल्कि बहुत सारे सिचुआन के मुस्लिम्स मार्शल आर्ट सीखा भी करते थे और सिखाया भी करते थे। चिंग और मिंग डायनेस्टी में बहुत सारे अजीज़ और स्कॉलर्स ने अरेबिक और पर्शियन को ट्रांसलेट करना शुरू किया चाइनीज़ लैंग्वेज में, जैसा कि ये चाइनीज़ राइटिंग स्टाइल है। यहाँ पे इस्लामिक बिलीव लिखे गए हैं, जैसा कि हम अल्लाह में बिलीव करते हैं, एंजल्स में बिलीव करते हैं, कुरान पाक में, प्रॉफिट्स और डूम्स डे पे बिलीव करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ इस्लामिक स्टैम्प्स हैं, जो चिंग और मिंग डायनेस्टी में यूज़ की जाती थी। यहाँ पे सारे ब्लॉक्स भी इंग्रेव्ड पड़े हुए हैं, जिससे कुरान पाक ब्लॉक प्रिंट किया जाता था, और ये उसकी पुरानी कॉपीज यहाँ पे रखी गई हैं, जो कि चिंग और मिंग डायनेस्टी से हैं। यहाँ पे ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं और इस मस्जिद को देखते हैं, और पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी गई है, जैसा कि इस्लामिक मर्चेंट्स यहाँ पे आते थे और उनकी वजह से इस्लाम फैला, पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी गई है, ताकि नॉन मुस्लिम्स भी इसको पढ़ सकें। और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। बुक्स पड़ी हुई हैं, ये सारी इस्लामिक बुक्स हैं और ये सारी चाइनीज़ में हैं, तो यहाँ पे आके स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं कुरान, और ट्रांसलेशन और तजवीद वगैरह यहाँ पे आके क्लासेस भी होती हैं। तो ये पूरा एक कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है। एक्चुअली मॉस्क का मतलब ही ये है कि पूरा कम्युनिटी सेंटर, जहाँ पे हर एक्टिविटी हो सकती है। बहुत ही खूबसूरत वन प्रेयर एरिया बना हुआ है। अब हम ऊपर जाकर देखते हैं कि वो कैसा है। वोमन एयर प्रेयर एरिया कुछ इस तरह से बना हुआ है, द स्कार्फ्स वगैरह एवरीथिंग, और ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। चंदू सिटी इस्लामिक एसोसिएशन, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, बिल्कुल डिफरेंट आर्किटेक्चर है सामने से, इस तरह से बनी हुई है। ये सारा मुस्लिम स्क्वायर है, सामने मस्जिद नज़र आ रही है, और मस्जिद के बिल्कुल साथ मुस्लिम रेस्टोरेंट्स है। ये पूरा एरिया जो है मुस्लिम स्क्वायर है और मुस्लिम रेस्टोरेंट्स है। यहाँ पे नान भी मिल रहे हैं, एवरीथिंग हलाल इज़ अवेलेबल, और सिचुआन कुजीन आप लोग इजीली यहाँ पे आकर ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही हम मस्जिद से बाहर आए हैं, अब ये देखें नान रोटी, आंटी स्काफ में तो मुस्लिम हैं माशाल्लाह, और ये अब सारा मुस्लिम फूड स्ट्रीट यहाँ से स्टार्ट हो गई है। यहाँ
यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है, नान, कीमे वाले नान, हर चीज़। तो अब ये हमारी जो है वो ड्रीम लैंड आ गया, एवरीथिंग हलाल। ये देखिए यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, कितनी लंबी टाइम ही है। मस्जिद के बिल्कुल साथ ही पूरा स्क्वायर है, और अभी हम लोग आए हैं हलाल रेस्टोरेंट, और यहाँ पे सिचुआन कुजीन भी ट्राई हो जाएगी और हलाल फूड भी मिलेगा। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया है चाओ प्यान, हमने ऑर्डर किया है सिचुआन बीफ नूडल, और इस तरह से इसका बाउल है, और ट्राई करते हैं और देखते हैं ये कैसे हैं। सिचुआन इज स्पेशल कुजीन विच इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आज हम इसके नूडल ट्राई करेंगे और देखते हैं कि ये कैसे हैं। वैसे मेरी बेगम को जो है वो पसंद नहीं है सुपर नूडल, लेकिन आज पता चलेगा सिचुआन ने पसंद कराया कि नहीं। स्पाइसी है, और ऐसे लग रहा है बहुत ढेर सारी स्पाइसी है। मिक्स तो करें, ब्रॉथ है वो सही स्पाइसी है। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चंगदू इज द कैपिटल ऑफ सिचुआन, और सिचुआन इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसी कुजीन। और अभी मैं जो नूडल्स खा रही थी वो नूडल बाउल में स्प्लैश हुआ है, और सिचुआन की मिर्च मेरी आंख में चली गई, और मुझे अब समझ आ गई कि ये कितना स्पाइसी है। ये तो ट्रोल हो गया, मेरी आंख के अंदर मिर्च चली गई है, और मेरी आंख को पालो।